सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बस अब थोड़े से ही इंतजार के बाद वर्ल्ड कप 2019 की भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होने वाली हैं। आपको बता दें कि आईपीएल लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है और अब बस कुछ ही दिनों के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी कड़ी प्रैक्टिस करने में जुट जाएंगे और फिर कुछ ही समय के बाद सभी खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के लिए रवाना भी हो जाएंगे। आपको बता दें कि 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला जाना है, जिसके लिए हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान भी दिया था। इस ऐलान में भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने कुछ ऐसे नाम भी लिए जिसने सबको चौंका कर रख दिया, जैसे कि विजय शंकर और रविंद्र जडेजा। ऐसे खिलाड़ियों की टीम में शामिल होने की किसी को भी आशंका नहीं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और दोनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर भी हैं, तो कहीं ना कहीं यह कहना तो गलत नहीं होगा कि चयनकर्ताओं का यह फैसला भारतीय क्रिकेट टीम के हित में ही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो टीम में युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी नहीं है, जिनकी कमी कहीं ना कहीं खलेगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात किसी और मुद्दे पर करने वाले हैं और वह महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, ऐसे में बात चाहे फील्डिंग की हो, बैटिंग की, गेंदबाजी की या फिर कप्तानी की, कोई भी टीम किसी भी जगह पर रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और अगर फिलहाल कप्तानी की फॉर्म देखी जाए तो आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की बात करी जाए तो हमेशा की तरह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उनकी कप्तानी के अंडर इस बार के आईपीएल के सीजन में भी बादशाहत कायम रखे हुए है, जो कि यह बात तो साफ दर्शाता है कि महेंद्र सिंह धोनी हर पहलू में विराट कोहली से एक बेहतर कप्तान साबित होते हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने धोनी को कप्तान बनाने पर कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने सबके होश ही उड़ा कर रख दिए। आपको बता दें कि हाल ही में एक टीवी चैनल पर सुनील गावस्कर मौजूद थे और उसी दौरान जब वर्ल्ड कप की बातचीत चल पड़ी तो उन्होंने धोनी के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जिस हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी वर्ल्ड कप के पहले प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, मैं उससे बेहद ही खुश हूँ। आईपीएल के सीजन में सभी खिलाड़ियों का मनोबल और भी ज्यादा मजबूत हो गया होगा, साथ ही मेरे नजरिए में खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप से पहले ही काफी कड़ी प्रैक्टिस भी हो गई, जिसका कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में फायदा भी सबको देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिक्र है कि कहीं विराट कोहली अपनी कप्तानी को इसी तरीके से जारी ना रखें। इस बार के आईपीएल के सीजन में विराट कोहली ने काफी खराब कप्तानी करी, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सरवाइव करना होगा तो महेंद्र सिंह धोनी का साथ तो काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल, मेरा तो यही मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी हर पहलू में विराट कोहली से एक बेहतर कप्तान साबित पड़ते हैं और अगर कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के दौरान वही भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी को संभाल पाते तो शायद बात ही कुछ और होती। मुझे पूरा यकीन है कि धोनी के अनुभव से भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 में और भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और विराट कोहली अपनी कप्तानी को सुधार पाएंगे। दोस्तों, यह बात हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली से एक बेहतरीन कप्तान है। साथ ही सुनील गावस्कर का भी यही मानना है कि अगर धोनी भारतीय टीम की कप्तानी संभालते तो यकीनन भारतीय क्रिकेट टीम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ही कप्तानी संभालनी चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।